परमेश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज की इस सुहावनी शाम के लिए। और आज आप सभी लोग इस समय में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बरकतों को पाने जा रहे हो, वो खुदा की भारी सामर्थ आज आपको छुएगी। आज की प्रार्थनाएं, आज की प्रे पिलर मीटिंग की सामर्थ से आप लोग ब्लेस किए जाओगे। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आज परमेश्वर के अभिषिक्त दास सामर्थ से भरकर आज की प्रे पिलर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाही से वह आज इस प्रेयर में हमारे साथ शामिल होकर हम सबको और भी ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ाने वाले हैं। और जितने भी लोग आज की मीटिंग को ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, वो आज की मीटिंग को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि आज की प्रेयर की पावर एक एक के जीवन को छू सके। और जितने भी लोग हालातों में हैं, बीमारियों में हैं, जकड़न में हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, आज की सामर्थ के वसीले वे लोग अपने हालातों से आजाद हो जाएं। आमीन। और आज उन खास पॉइंट्स को सीख पाए जिनके द्वारा वे प्रे वॉरियर बन सकते हैं। तो सच में कलीसिया, खुदा की जिंदा पावर, जिंदा शक्ति आज अपने दास के वसीले परमेश्वर की भारी पावर आपके जीवनों में उतरेगी और आप लोग प्रे वॉरियर बन जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आज पवित्र आत्मा अपने दास के जरिए हमें अद्भुत रीति से ज्ञान के बड़े भेदों को खोलने वाला है, हमारे ऊपर ज्ञान का भंडार उढ़ेलने वाला है। कितने लोग आज सीखने के लिए, बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर का वचन हमें ब्लेस करता है, हमें छुड़ाता है, हमें आगे बढ़ाता है। कितने लोग आज सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो लोग प्रार्थनाओं में ढीले हैं, जिनसे प्रेयर्स नहीं होती, आज परमेश्वर की भारी पावर के वसीले उनकी प्रार्थनाओं की रुकावटें टूटेंगी और आप प्रे वॉरियर बन जाओगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के दास सुबह से ही एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर में है। परमेश्वर के दास जो खुदा के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं, जैसे ही वो आज हमारे बीच में आएंगे, पवित्र आत्मा उन्हें अद्भुत रीति के साथ हम सबके लिए इस्तेमाल करेगा। और सच में कलीसिया, जब लिखा, जब आत्मा बोलता है तो सामर्थ कार्य करती है। आज भी पवित्र आत्मा अपने दास के वसीले जब बोलेगा, हम परमेश्वर की प्रेजेंट को अपने जीवनों में और भी ज्यादा फील करेंगे और भी ज्यादा रूहानी आनंद से भरेंगे। लेकिन उससे पहले आइए, जितने ऑनलाइन बैठे हैं अपने घरों पर, अपने परिवारों के साथ, और जितने परमेश्वर के पवित्र भवन में उसकी हजूरी में पहुंचे, सब अपने हाथों को उठाइए और अपने मन की तैयारी के लिए आइए। हम सब लोग उसकी महिमा को गाएंगे, उसके गीतों को, उसकी वर्शिप को गाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, हाँ मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं जिंदियो देना करके जिंदियो देना करके, मैं जिंदियो देना करके जिंदियो देना करके जिंदगी नु पा लिया। सब गाते हुए कलीसिया, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, रब तो दुआ परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ पूरी तरह से ब्लेस कर रहा है। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके
सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं जिंदियो देना करके, जिंदियो देना करके, जिंदियो देना करके, जिंदियो देना करके, जिंदगी नु पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं यीशु तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं यीशु तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मेरिया मुरादा दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है, मेरिया मुरादा दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है, मेरिया मुरादा दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है, बरकरार आपके लिए कर रहा है, मुरादा दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है, हां मेरिया मुरादा दा जवाब मैनू देंदा है, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देंदा है, मेरिया मुरादा दा जवाब मैनू देंदा, थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू वचन उदा रख के दिल च गुनाह नू मुका लिया, वचन उदा रख के दिल च गुनाह नू मुका लिया, वचन उदा रख के दिल च गुनाह नू मुका लिया, वचन उदा रख के दिल च गुनाह नू मुका लिया, मैं जिंदियो देना करके, जिंदियो देना करके, जिंदियो देना करके, जिंदियो देना करके, हाँ जिंदगी नू पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, ओदे कोलो पौन लई मान होना चाहिदा, दिल विच बस यीशु नाम होना चाहिदा, ओदे कोलो पौन लई मान होना चाहिदा, दिल विच बस यीशु नाम होना चाहिदा, ओदे कोलो पौन लई मान होना चाहिदा, दिल विच बस यीशु नाम होना चाहिदा, ओदे कोलो पौन लई मान होना चाहिदा, दिल विच बस यीशु नाम होना चाहिदा, हाँ ओदे कोलो पौन लई मान होना चाहिदा, दिल विच बस यीशु नाम होना चाहिदा, ओदे कोलो पौन लई मान होना चाहिदा, दिल विच बस यीशु नाम होना मैं चाहिदा, मैं हुक्म ते ओदे चल के रब नू मना लिया, मैं हुक्म ते ओदे चल के रब नू मना लिया, मैं जिंदियो देना करके, जिंदियो देना करके, जिंदियो देना करके, जिंदियो देना करके, हाँ जिंदगी नू पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं यीशु तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं यीशु तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, हाँ तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान,
तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। हाँ तूने अपनी जान लुटा सब गाइए यीशु, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद कीजिएगा। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु। हम मुर्दों में डाली है जान, हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, थैंक यू जीसस, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। हाँ हम पापियों का बोझ उठाया, हम पापियों का बोझ उठाया, हम पापियों का बोझ उठाया, हम पापियों का बोझ उठाया। भटके हूँ को रब से मिलाया, भटके हूँ को रब से मिलाया, करके पवित्र अपने लहू से, करके पवित्र अपने लहू से, हाँ करके पवित्र अपने लहू से, करके पवित्र अपने लहू से। बनाया है अपने समान, बनाया है अपने समान, हाँ बनाया है अपने समान, बनाया है अपने समान। तेरा प्यार है कितना महान, थैंक यू जीसस, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। हाँ तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु। हम मुर्दों में डाली है जान, सब गाते हुए कलीसिया, हम उस परमेश्वर ने हमारे मरे हुए जीवन को जिलाया है। हम मुर्दों में डाली है जान, हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। हाँ यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं।
यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी, करूंगा स्तुति रूह से मैं तेरी, छिपने की तू है जगह मेरी, यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी का, जिसने हमें अपनी आराधना के द्वारा हमें ब्लेस कर दिया है, क्योंकि बाइबल में लिखा उस परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए बनाया है। और आज जितने लोग मन से उसकी वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, वे और ज्यादा ब्लेस हो जाएंगे। और आज की ये प्रेयर आप सबको ब्लेस करने वाली है। और मैं फिर से आपको मैसेज देना चाहती हूँ, जितने भी लोग ऑनलाइन आज की प्रेयर पिलर को वॉच कर रहे हैं, आप लोग आज की मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि अभी खुदा के दास भारी सामर्थ से भर कर हमारे बीच में आने वाले हैं। और आज पवित्र आत्मा उनके जरिए हमें ऐसी पावरफुल बातों को सिखाने वाला है, जिनको सीख कर हम पूरी तरह से ब्लेस हो जाएंगे। सो जोरदार तालियों के साथ, परमेश्वर की भारी सामर्थ के साथ भरकर आए हुए हमारे आत्मिक पिताजी का वेलकम करते हुए तालियों के साथ खुदा की महिमा के लिए हालेलुया। कीजिए कीजिए, सब लोग अपने मनों को तैयार कीजिए। सारे खुश हो? Yes. कितना सारा? बहुत सारा। गुड। तो आज की ये जो प्रेयर पिलर मीटिंग है, और वो सोनू है कि नहीं आज? इसको पता है शार्प करना मेरा माइक थोड़ा सा ये अंदर नेट के अंदर, और साथ में हल्की सी रिवर्ब। अगर नई नॉलेज तो रहने देना, ठीक है इतना। हाँ ओके। तो अभी आप सारे लोग खुश हों इस प्रेयर में आकर, तो आप बड़ी बरकत पाओगे 100%। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर के साथ हम जो कर रहे हैं वो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। आमीन। पहले ही अपने माइंड में सेट कर लो, अगर आप संगति में आते हो परमेश्वर के चरणों में, तो वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसको कौन देख रहा है? परमेश्वर। कुछ मत करो, और वो वहां ठीक था, पहले जाओ।
क्योंकि तू अगर बार बार करेगा ना तो चेंज होता जाएगा माइक और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। जहां पहले था वहां कर दो बस, ठीक है। सुनो तो देखो, तो अभी ये बड़ा विषय है हम सब लोगों के लिए कि हाँ, तो अभी ये बात सीख लो आप लोग सारे। तो हम जो भी खुदा के साथ करते हैं, चाहे हम संगति में आते हैं, चाहे हम उसका पवित्र वचन बाइबल पढ़ते हैं, चाहे हम उसका धन्यवाद करते हैं हर काम के लिए, हम खाना खाते हैं तब धन्यवाद करते हैं, हम अपने कामों में जा रहे हैं काम कर रहे हैं तब भी उसका क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर तू महान है, तू सच्चा है, तू सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो हम जब ऐसा करते हैं तो ये नॉर्मल नहीं, इसके साथ फल है। आमेन। लेकिन याद रखना, जो तुम कर रहे होते हो उसको विश्वास से करना होता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे तुम्हें मैं गाइड कर रहा हूँ, इसी तरह से तुम्हें समझाना होगा विश्वास के साथ अपने आप को भी कि मैं जो कर रहा हूँ वो परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ और वो देख रहा है मुझे। क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, जैसे हम लोग जब परमेश्वर के साथ कुछ चीज़ें आत्मिक रूप में कर रहे होते हैं तो कई बार उसका रिजल्ट उतना नज़र नहीं आ रहा होता जितना आना चाहिए, है ना। तो तब कुछ लोग अपने फेथ में डाउन होते हैं, जब अपने विश्वास में कुछ आगे पीछे होते हैं कि जो हम कर रहे थे परमेश्वर के सामने रख रहे थे, तो वो नज़र ना आने से निराशा आती है। आपको पता है या नहीं, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं उससे कुछ मांगते हैं तो हम मांग रहे हैं आ रहे हैं जो परमेश्वर कह रहा कर रहे हैं जितना हमें समझ आए, लेकिन उसके बदले में हम अपेक्षा करते हैं जो चाहते हैं। अगर वो नहीं हो रहा होता उस तरफ उतना जितना हम चाहते हैं तो जानते क्या आती है, निराशा। तो वो रॉन्ग चीज़ है। इसीलिए बाइबल में लिखा, वो तुम्हें तेरी आशा को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे अंदर वचन है, ये बात याद रखो, अगर हमारे अंदर वचन है तो फिर हमें याद रहेगा परमेश्वर ने क्या कहा है। अना उसने कहा अपने आशा के अंगीकार को, अभी मेरा माइक सेट नहीं हुआ, ये लोगों को पता था आज खास मैं आ रहा हूँ, तो उस बंदे को क्यों छुट्टी दी आज के दिन। हाँ सुनो तो देखो, ध्यान दो आप लोग सारे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमारे अंदर अगर वचन है तो अकॉर्डिंग टू वचन जो परमेश्वर बात कर रहे हैं, आप जानते हो परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर के कहे हुए वचन है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है, ये बाहर क्यों इसने छोड़ा हुआ, वो इधर क्यों नहीं हल्की हल्की आवाज आ रही, मतलब आपको सुन रही है इधर क्यों नहीं सुन रही स्पीकर में, ऐसा क्यों, ये कहाँ लगाया इसने, ये जो गिटार की ट्यूनिंग कहाँ लगा कर बैठा, ये स्पीकरों में तो है नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो ट्यूनिंग है ये प्रेयर की है, दूसरी लगाओ, हाँ बात करने की। हाँ भी ध्यान दो आप लोग सारे। तो मेरे कहने का ये मतलब है आप लोगों के लिए कि जैसे अगर हमारे अंदर वचन है, जैसे मैं संडे भी बात कर रहा था, लोगों के पास घाटा क्यों है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास आकर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के पास आ जाते हैं
जब चुने जाते हैं या परमेश्वर की दया उन पर जब काम करती है तो परमेश्वर के पास आकर भी वो नहीं पा पाते जो अपेक्षा करते हैं, जो चाहते हैं। उसका क्या कारण है? समझ, विश्वास, वचन, ये सब बातें। हालेलुया। आप जानते हो, आप जहाज में जाते हो, कभी आपको मौका लग जाए, आप में से कोई जहाज में गया कहीं? अच्छा, इतने लोग हैं, 5-7 लोग, कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 6 लोग हैं। तो जब हम जहाज में जाते हैं तो जानते हैं, हमें बहुत सारी चीजें वहां नहीं पता होती, लेकिन हम पूछते हैं, ध्यान रखते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हम पहले जाते हैं वहां, फिर अपनी टिकट के हिसाब से चेक करते हैं, D2 कहाँ है, डोर है ना, ये वाला D4 कहाँ है ना। तो ये सारी चीजें, कौन से प्लेटफॉर्म पर मेरा जहाज उड़ने वाला है, तो वो सारी बातों को स्पीड स्पीड से ध्यान रखते हैं। जानते क्यों? कि अगर मैं लेट हो गया, मैं पहुंच ना पाया, मैं इधर उधर भटक गया, तो मेरी फ्लाइट उड़ जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो वहां पर जैसे उस चीज का फायदा लेने के लिए ध्यान रखते हो, टिकट आपके पास है, पैसे आपने खर्चे, डन है उस जहाज में बैठना, डन है कि वो जहाज आपको लेकर जाएगा, लेकिन बीच में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो काम खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसे इधर भी काम तैयार है, जैसे वो जहाज तैयार है, टिकट तैयार है, आपने बस ध्यान से टाइम से बैठना और अपना फायदा लेना है। उसी तरह से यहां पर परमेश्वर का काम तैयार है, परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया है, लेकिन वहां पर शारीरिक रूप में लोगों को पता क्या करना, लेकिन यहां आत्मिक रूप में लोगों को पता, यहां कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ आगे कर रहा है, कुछ पीछे कर रहा है, ये फर्क है। कितनों को बात समझ आई? अगर ये समझ थोड़ा सा लगा लिया, कठिन नहीं है, तो ऊंचे जाओगे, ऊंचे। और ये बिल्कुल कहानी नहीं है जो मैंने अभी बताई आपको, ये रियलिटी बताई है कि आप ऊंचे जाओगे। क्या आप लोग ऊंचा जाना चाहते हो? ऑनलाइन कितने ऊपर जाना चाहते हैं? जितने इस समय जुड़े हैं, कमेंट्स में अपना लिखो कि हाँ, यस, हम ऊंचा जाना चाहते हैं। ऊंचे जाने के बहुत सारे मीनिंग हैं। परमेश्वर के साथ ऊंचा, परमेश्वर के साथ रिश्ता ऊंचा, उसके साथ रिश्ता बड़ा, घर में शांति, चीजें, बरकत, पैसा, बिजनेस, सब चीज, बोलो। लेकिन कंडीशन ये है, खुदा का कलाम ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 6:31-32, 3 वचन ये पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा, लेकिन 33 में ऐसे कहा, 31 से समझ लो, यीशु ने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत ये है, खाना पीना पहनना, सबसे बड़ी जरूरत। आप जानते हैं, जब किसी के पास पैसा बहुत है, उसको फूड पाइप में कैंसर हो गया या कोई रोग हो गया, तो उसके बाद क्या करता है वो तरसता है कि मेरे मुंह में खाना जाए, पानी जाए, तरसता है या नहीं तरसता है? थोड़ा सा ऊपर करो इसको, ट्यूनिंग को हल्का सा बाहर, अंदर मुझे पता नहीं कितनी है, रूम में जाकर देखो, यहां क्या समझ आएगा। हाँ, तो अभी इस बात पर ध्यान दो, यीशु मसीह ने कहा, अन्य जाति इन्हीं सब चीजों की खोज में रहते हैं, क्योंकि वहां उनके पास कोई ऐसा सच्चा ज्ञान नहीं है, अन्य जातियों के पास ना, उनके पास कोई प्रूफ है परमेश्वर का, अन्य जातियों के पास, कि वो जीवित परमेश्वर कौन है, कोई प्रूफ नहीं है। उनके पास पत्थर, मिट्टी की चीजें हैं,
मनुष्य है, इंसान है, जानवर भगवान है, ठीक है, कोई खड़े होकर ऐसे मिरिकल चमत्कार पावर प्रकट करना ऐसा कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, तो वो तो चिंता करेंगे। तो उनकी शिक्षा में भी ये है ना, उनकी शिक्षा में भी ऐसी बातें कि जो तुम करोगे, काम करोगे, ऐसा करोगे, कर्म करोगे। लेकिन यहां हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है परमेश्वर का, जिसमें परमेश्वर ने खुद कहा अन्य जाति इन सब चीजों के खोज में रहते हैं, कहां से आएगा ये सब कुछ, कैसे इंतजाम होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पुरखा, हम आदम से ही पैदा हुए, सारी दुनिया आदम से पैदा हुई, लेकिन हमारे जो पुरखा जंगल में भटक रहे थे अपनी अनाज्ञाकारी के कारण, उनको खाना कौन देता था रोज, ये वचन है तुम्हारे पास। लेकिन क्या ऐसे वचन तुम्हारे अंदर चलता है? नहीं चलता। प्रॉब्लम है कि बिलीवर्स के अंदर वचन नहीं चलता। अगर जो सिचुएशन है उसका वचन अंदर चलेगा तो वो विश्वास उसका बना रहेगा। क्या रहेगा? अना उसका विश्वास बना रहेगा, उसको याद होगा मेरा परमेश्वर कौन है। बहुत सारे बिलीवर्स क्यों आज कई सारे हालातों में विश्वास में खड़े नहीं रहते, उसका ये कारण है कि उनके पास वचन नहीं है। उसका वचन उन्होंने पकड़ कर नहीं रखा परमेश्वर का। उन्होंने वो आते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं, चले जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि इस बात को परमेश्वर के सामने लेकर नहीं गए। अगर हम इस बात को परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे कि परमेश्वर पिता आपने मुझे बुद्धि दे दी है, समझ दे दी है, मैं तेरे वचनों को याद रख चुका हूँ, तेरे वचनों पर चल रहा हूँ, अगर रोज रोज ये हम अंगीकार करेंगे तो हम बरकत पाएंगे। वो वचन हमारी जिंदगी में काम करेगा, अंगीकार हमारे जीवन में काम करेगा, हमें बुद्धि रहेगी, हमारे पास आत्मा है वो काम करेगा, हमें वचन याद आएंगे, हमें वचन समझ आएंगे। पवित्र आत्मा भी आपको तब जब जो सिचुएशन होगी उसमें वचन याद कराएगा। अन्य जातियों के पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं कि हमारे पुरखा जंगल में रहे उनके लिए रोज आसमान से खाना उतरता था। सोचो, वो अपनी आंखों से देखते थे, उसको खाते थे। हमने तो पढ़ा है, हमारे लिए अद्भुत है इन्हीं बातें, बोलो अद्भुत है ना ये बातें हमारे फेथ के लिए जो परमेश्वर के साथ बना रहे। लेकिन याद रखना, हमारा परमेश्वर महान है जिसने ये वचन कहा कि अन्य जाति तो इन सब चीजों की खोज में रहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हालेलुया, हालेलुया, क्या कहा? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, बैठ जाओ, स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सब चीजों की तुम्हें आवश्यकता है। वो तुम्हारी आवश्यकता को जानता है, वो तुम्हारी जरूरत को जानता है, वो जानता है तुम्हें रोटी चाहिए, तुम्हें कपड़ा चाहिए, वो तुम्हें जानता है काम चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, तुम्हें शैतान सताता है तो वो जानता है उससे तुम्हें हील करना है, वो जानता है। लेकिन तुम जानते हो कि वो ऐसा है, वो करने के लिए रेडी है, वो सामर्थ्य है। हम हालात में ये वर्ड हमारे अंदर नहीं, वचन हमारे अंदर नहीं, प्रॉब्लम ये है। इधर हालात आ जाता है, खड़ा होना नहीं आता कुछ लोगों से। आप जानते हैं बाइबल में लिखा एक जगह पर, पत्रस की शायद बुक में लिखा नहीं, सॉरी यकूब की पत्री में भी एक जगह पर ऐसे लिखा है, तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को करो। क्या करो? परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को करो, और फिर शैतान का क्या करो? सामना करो, और शैतान भाग जाएगा। अगर ये वचन तुम्हारे अंदर है तो अपने आप को उसके बलवंत हाथों के नीचे करो, अपने आप को मानो कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं,
मानो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? अगर हम ये मानते हैं, क्योंकि ये बेटे बेटी का जो रिश्ता है या अधिकार है, इसे सोचो तो सही, थोड़ा बहुत समझो तो सही इस विषय को। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब जिसने ये दुनिया रची है वो मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है। जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक बाप और एक उसका बच्चा साथ में, हाँ आने दो आगे। हाँ, क्या हो रहा है? इसको दर्द हो रहा है? कैमरा ला लो। कहाँ दर्द हो रहा है? कब से हो रहा है? थोड़ा आगे चल जाओ और किस चीज का दर्द है ये इतना? है पत्नी गांधी पापा जी जैम से दी कलीसिया जैम से दी जय मसीह की मां पापा से कल दी दर्द से मार रही है। सात चार जक्शन काल लगे है, है? चार जक्शन काल लेवले लगे नींद दियां गोलियां दी चार जक्शन काल लगे आज आज सात लगे अस्पताल से आई है छुट्टी दवा के सात जक्शन लगे दवाई का भी कोई असर नहीं पड़ रहा। सुन इधर देख मेरी तरफ से, अभी दर्द पूरा है? हाँ जी पूरा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी चला जाए? हाँ जी अभी। हाँ जी इधर देख, सुनते रहे मेरे, इधर खड़े खड़े रहे, मेरी बात सुननी है 2-3 मिनट, फिर ये चला जाएगा। तुम जानती हो जैसे परमेश्वर, वो सिर्फ परमेश्वर नहीं, वो हमारा पिता है। क्या है? हमारा पिता। जैसे मान लो एक बाप है तो उसका एक बेटा है, तो दोनों जा रहे हैं, अचानक से वहां एक धमाका हुआ, आवाज आई बड़ी जोर से, बहुत तेज आवाज जैसे बम फटता है। तो वो उंगली पकड़कर जा रहा था अपने बाप की बेटा, तो जैसे धमाका होगा तो वो उंगली छुड़ाकर भागेगा ना धमाके के डर से। बताओ, उंगली छुड़ाकर भागेगा? बोलो क्या करेगा? उसको जफ्फी पाएगा, कस के पकड़ लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में है कि यही इसी से मेरा बचाव है, क्योंकि वो जानता नहीं है मेरा बाप है तो ये मुझे बचाएगा। अब जब हमारे सामने हालात होते हैं तो हम परमेश्वर के साथ चिपकना के बजाय इधर उधर होते हैं, उससे लिपटो। अब तुम सोचोगे शारीरिक रूप में वो तो है नहीं, तो किसको जफ्फी पाए? तो यही समझना है, तू उसकी बेटी है, तेरे पास अधिकार है। क्या है तेरे पास अधिकार? जानते क्या अधिकार? अगर तू बोलेगी तो ये हट जाएगी दर्द, ये तेरे पास अधिकार है। चल रखे से सीधी हो जा, पूरा बोले यीशु नाम से, यीशु नाम से अभी अभी ये दर्द खत्म है, खत्म है। ऐसे आंखें बंद कर ले, विश्वास करके परमेश्वर की ताकत बढ़ी है। वो परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधों की आंखें बना दी, जब उसने आंखें बना दी मुर्दों को जिंदा कर दिया, तो ये तो छोटा सा दर्द है, छोटी सी पत्रियां है। बोल कुछ नहीं, वो शक्तिशाली है, कुछ नहीं। मेरी तरफ देख, अब मेरी तरफ देख, वो सामर्थ्य है या नहीं? उसके लिए इस दर्द को दूर करना कितने मिनट का काम है? 1 मिनट का। हाँ जी। और वो खत्म कर रहा है, जैसा हो चुकी देख, टच आउट, सारा पेट का दर्द जा चुका है। परमेश्वर तेरी जीव शक्ति से शट गो आउट। मेरी तरफ देख, छोड़ दे पेट को, मेरी तरफ देख, श्वास कर, क्योंकि मैं तुझे अधिकार तो बता ही रहा हूं, लेकिन मैं सामर्थ्य को रिलीज कर रहा हूं तेरे पेट के ऊपर, उस दर्द को बंद कर रहा हूं। देख देख मेरी तरफ, खत्म हो रही है दर्द, गो आउट, जड़ से दर्द शट, रिसीव कर,
इस पर मन न लगा, पेट पे मन न लगा, परमेश्वर पर मन लगा। इस तरह मन हटा दे कुछ नहीं, वो तो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। ये मामूली सी दर्द है, मामूली सी, क्या ये मामूली सका मामूली, ठीक है। इस पर ध्यान हटा दी, उस सर्वशक्तिमान पर दे ध्यान, और जो शक्ति तेरे पर रिलीज हो रही है उस पर ध्यान दे। टच शट आउट फ्री। अब देख देख कितना है दर्द अभी, बैठ उठ, अब देख दर्द कितना है। दर्द जा चुका है, सारा जा चुका है। पापा जी पहले मैं जब बोलती भी हाँ मेरे से बोले अब नहीं जाता, पानी भी पीनी हाँ दर्द उठती, इतों लग के नाड़ मैनू अपने आप महसूस होंगी जब मैं बोलती हाँ। केड़ी नाड़? ऐसे कि जब मेरे पेट दी अंदर नाड़ ही फट चुकी है। मैं ना कहने हैं मैंने मरने वाला टीका लगवा दो, मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं होती भी। मरने वाला टीका? पापा जी मैं बहुत परेशान हूँ दर्द के हालातों से, बहुत ज्यादा। मैं बचपन से परमेश्वर नु जाननी हूं। इधर कब आई है? इधर मैनू 3 हफ्ते हो गए हैं, जद दी मेरे कलीसिया ने जुड़ी चर्च ना मिस्त्री ना खुदा ने बड़ा फायदा दिता मैनू। लेकिन अभी 3 हफ्ते हुए इधर जुड़ी? हाँ जी 3 हफ्ते च पापा जी बहुत ज्यादा खुदा ने फायदा दिता। कोई बात नहीं, अब परमेश्वर तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। अब बिल्कुल दर्द है चक्कर? बिल्कुल नहीं, नहीं है। कलेजे दे ऐसे पापा जी जिदा कोई अंदर चीर पौंदा ना, हाँ। ऐसे मेरे काचू चलते पेट दे ऊपर, जद मैनू दर्द से हो रहा था ना ऐसे। हाँ जी तो परमेश्वर है या नहीं है? देखो ये मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मुझे डाउट नहीं है खुदा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। मुझे कोई भी डाउट कोई भी संदेह नहीं। जिस दिन तुम्हारा ये संदेह खत्म हो गया तुम्हारे साथ भी ऐसे काम होते हैं, समझ आया? अब बैठ जाओ, सुनो मीटिंग सारी, बैठ कर आराम से, ठीक है। सुनो देखो ध्यान दो अभी आप लोग सारे, अभी ध्यान दो सारे। मैं वापस वहीं आता हूं, चक्कर क्या है अब दुनिया में, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, जो हमारे लिए वो है, देखो ऐसे पकड़ पकड़ आ रही थी, पकड़ पकड़ कर आ रही। 7 इंजेक्शन लगवा के आई हमने तो, यहां दूर से बोला बस खत्म हो जाए दर्द। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे ऐसे करो, धन्यवाद धन्यवाद तू जिंदा, ऐसे करो, ऐसे मन लगाओ उसके ऊपर जितना वो ताकतवर है, जितना वो शक्तिशाली है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? सुनो ध्यान दो, क्योंकि मुझे उस पर डाउट नहीं, संदेह नहीं, कोई शक नहीं। मैं उसका बेटा हूं, उसका बच्चा हूं, वो मेरा बाप है, मेरा बनाने वाला है, उसने मुझे शरीर दिया, मुझे सांस दिए। तो आप लोगों को भी ये पकड़नी है बात, आप लोगों को भी क्या करनी है, हर वक्त वो है, ये कुछ नहीं अला, ये जा चुका ईश्वर। वचनों को याद रखना, याद उसे समझकर चलना है, क्योंकि हम जब हालात होता है ना हमारे अंदर डाउट आता है, संदेह आता है, शक आता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा डाउट खत्म हो जाएगा, संदेह खत्म हो जाएगा, हमें पूरा भरोसा होगा परमेश्वर के ऊपर, हमारा विश्वास होगा कि वो शक्तिशाली, वो सब कुछ कर सकता है, तब हम बड़े बड़े काम देखेंगे परमेश्वर के। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? Yes. मैं बहुत सारे पास्टर्स को मिलता हूं, पास्टर भी परेशान होते। जानते क्यों पास्टर परेशान होते? क्योंकि उनको खुद को अच्छे से नहीं पता परमेश्वर के वचन के बारे में, उसके राज के बारे में, और उसके साथ चलने के बारे में। अब खुद जो परेशान है वो दूसरों को कैसे चलाएगा? समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन वो किसी के चेले बनना नहीं चाहते, किसी अगुए के नीचे रहकर सेवा करना नहीं चाहते, है ना। वो भी एक प्रॉब्लम है उनकी बेचारों की, खुद भी परेशान रहते हैं, लोगों को भी परेशान करते हैं। तो इसीलिए खुदा ने सोचो तुम्हारे ऊपर मुझे अपॉइंट किया, तुम कितना आगे जाओगे। लेकिन ध्यान दो, पकड़ो बातों को,
तुम्हें जबरदस्त जिंदगी जी पाओगे। yes, एक जबरदस्त जिंदगी, ठीक है। तो वापस आते हैं उसी बात पर हम, कि जो परमेश्वर ने पूरा किया हमारे लिए, जैसे जैसे हम, जैसे क्या होता ना, जैसे हमारे सामने हालात है, जैसे उसके पेट में दर्द था, पथरियां हैं, कोई और बीमारी है, कोई और रोग है, तो जब वो बॉडी में होता है, फील होता है, ये है, जैसे मान लो जैसे चला नहीं जाता, तो जब जब वो चलता है ऐसे, तो तब तब उसको उसका मन क्या देता है, दोष देता है। क्या देता है? मन दोष देता है ना। जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उससे आपका मन आपको क्या देगा? दोष देगा। लेकिन बाइबल में इसके लिए बड़ा जबरदस्त वचन है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ताकि तुम जब जब आपका मन आपको दोष दे, तब तुम वचन से ढांढस दे सको। हालेलुया। वचन इसीलिए परमेश्वर ने दिया है, ताकि आप हर विषय में परमेश्वर के सामने जाकर उस विषय को पूरा कर सको और छुटकारा पा सको। हालेलुया। अब ये वचन ऐसे है, अगर हम पहला योहन्ना की पत्री 3:20 पढ़े तो लिखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, अगर इसको हम 19 पढ़े, 19 वचन, जब 20 पढ़े तो 20 पढ़ लिया, 21 पढ़ते हैं। 21 में लिखा, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है। हालेलुया। दो वचनों में क्या समझ आए? पहले 21 में, अगर हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने क्या होगा? हियाब। जब तुम्हारा हालात है तो तुम्हारा मन तुम्हें दोष देगा, ये तो है हालात। ये बंदे की आंख जो थोड़ी बंद है, मैं इनसे कल मिला, ये रोने वाला मुंह बनाकर अपना हालात बता रहे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, शैतान ऐसे कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो जो ये बोल रहे थे वो इनका मन हमें दोष दे रहा था। कंटिन्यू मन क्या दे रहा था? दोष। ये देखो तुम्हारे हालात, ये देखो तुम्हारे हालात, ये देखो तुम्हारे हालात। तो बाइबल कहती है, अगर मन दोष ना दे तो फिर परमेश्वर के साथ क्या होगा? हियाब। लेकिन 19 वचन में जवाब है इसका, 3:19 में, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सके। आप जानते हो, जब दाऊद हालातों में था तो बाइबल में ऐसे लिखा, उसके सामने भी हालात होते थे, लेकिन वो क्या करता था? उसका मन उसे दोष देता था, तो वो अपने मन को क्या करता था? डांटता था, चुप चुप कर, ये बातें जो तेरे अंदर उठती है तुझे कुछ नहीं पता, चुप, क्योंकि मेरी आशा खुदा से है, ऐसे करता था। इसीलिए वो आगे बढ़ता गया। क्या हो गया? अब हमें वचन क्या है? परमेश्वर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आजकल लोगों के अंदर ये वचन तो है ही नहीं, उसकी जगह पर तेल, पानी, कपड़ा ये आ गया है। पास्टर जी ने कहा कि ये ले लो, जब तुम्हें मुश्किल होगी, तुम बीमार होगे, दर्द होगी, ये यूज करना, ये ऐसा हो गया है। ऐसा ही था ना तेरे साथ? क्यों जी, जब भी तुम्हें कोई हालात आता था तो तू किसकी ओर भागती थी? तेल, परमेश्वर की ओर, तेल पानी ते यकीन नहीं करती। तू नहीं करती? नहीं, मैं बचपन तो परमेश्वर नु जाननी आ, पर तेनू तेल पानी ते कोई यकीन नहीं? नहीं यकीन, मैं कह तेल पानी ते बनू ते आपा लावांगे परमेश्वर नु, ज्यादा ज्यादा करांगे, ओ साडे साथ ही है। तेल पानी बनू पी, तेल पानी ते हम प्रार्थना करावांगे, लियावांगे ते फेर ही लावांगे। किन्ना लम्मा चौड़ा है?
चंगा भी आप सीधा ओदे नाल जुड़ जाइए जुड़ जाइए जिथे भी खलोते हैं मैं परमेश्वर दा उथे ही नाल हां सुनो ते देखो लेकिन ये बहन तो उन चीजों पर विश्वास नहीं करती फिर भी हालात में थी उसका कारण अभी भी इसकी शिक्षा राइट नहीं थी लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर वो शिक्षा राइट बैठेगी ये बढ़ जाएगी बहुत आगे हालेलुया हालेलुया कितनों को बात समझ आ रही है लेकिन अभी क्या करना है वचन वो हमारे साथ है अगर तुम्हारे घर में शैतान काम करता है तो तुम्हारे घर में तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ कौन है कभी याद नहीं किया ये वचन तेरी ऐसी की तैसी डंडा मारो कहता कुत्ते ने मारी दा तो शैतान नू डंडा कहता मारी दा वचन का डंडा चल तेरी ऐसी की तैसी तू क्या है हम परमेश्वर के बेटे बेटी जिस दिन शैतान के सामने अगर वो अटैक करता है ये बात खड़े होकर बोलना शुरू किया उसकी माँ मर जाएगी वो भाग जाएगा क्योंकि उसको समझ आ गई ये अब डरने वाले नहीं अब मेरा चारा नहीं चलेगा यहाँ मैं मेरी दाल नहीं गलेगी कितनों को बात समझ आ रही है अब इसी विषय को पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ना होगा ठीक है यहां हम अपने मन को ढांढस कैसे दे सकेंगे वचन से ये वचन ये बीमारी है यीशु ने कोड़े खाए दो महीने आंखें बंद करके यीशु मसीह जब कोड़े खा रहा होगा ना बाइबल में जब कोड़े जैसे लिखे हैं जैसे वो क्रॉस पर चढ़ागा दो मिनट के लिए आंख बंद करके याद करना वो कोड़े खा रहा था मेरे लिए ऐसे ऐसे फील करना जब उस पर कोड़े पड़ रहे होंगे तब मेरी बीमारियां खत्म हो रही है उदड़ रही थी ये कोड़े इसलिए थे कि ताकि ये मर जाए अंदर से खत्म हो जाए दो मिनट के लिए याद करना तो आपके मन को ढांढस आएगा आपको हियाव आएगा आपकी दलेरी बनी रहेगी क्या बनी रहेगी दलेरी कितनों को बात समझ आ रही है आज तो इसीलिए इस बात पर ध्यान देना कि मेरे अंदर आत्मा है होली स्पिरिट है धन्यवाद सोचो जिसके अंदर आत्मा है तो ऐसे विश्वास कर सकते हो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर आत्मा है और शैतान मुझे अटैक करे ऐसे विश्वास करो जैसे ये विश्वास करने लगोगे दुष्ट का काम खत्म दो चार दिन ऐसे विश्वास करना मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है दुष्ट आ ही नहीं सकता मेरे अंदर काम ही नहीं कर सकता मैंने अपना जीवन सरेंडर कर दिया मैंने तौबा कर ली अपना जीवन खुदा को दे दिया है उस सर्वशक्तिमान को कितनों को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही तो इसी बात को आपने पकड़कर आगे बढ़ना है और बाइबल में लिखा जैसे जैसे अपने मन को ढांढस देते जाओगे तुम्हारा मन फिर दोष नहीं देगा तुम ब्लेस होते जाओगे Amen. एक चीज पक्का कर लो परमेश्वर ने तुम्हें अपने राज्य में चुना बुलाया क्यों रगड़ने मरने परेशान रहने के लिए या अच्छा जीवन देने के लिए अच्छा जीवन जीने तो ये विश्वास उसने तुम्हें चुना ही अच्छा जीवन देने के लिए वो शक्तिशाली परमेश्वर वो महान खुदा है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं ऐसे अपने आप को करना शुरू करना है तो इन बातों के बाद आज तो प्रेयर पिल्लर है क्योंकि मैंने कहा था कि आज मैं प्रेयर पिल्लर में आऊंगा तो संडे हम बात नहीं कर पाए अनाउंस नहीं कर पाए तो लोग रोटियां खाना तो याद रखते हैं लेकिन वचन याद नहीं रखते थर्सडे हमने बताया था संडे भूल गए बताना हम भी क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं था नहीं तो यहाँ जितने तुम से तीन गुना ज़्यादा जाते क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि मैं संडे हमने अनाउंस नहीं किया था इसलिए लोगों को पता नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा ठीक है लेकिन तुम आए हो परमेश्वर तुम्हें बड़ी बरकत दे चुका ठीक है फिर से याद रखना तुम्हारा धन्यवाद करना तू किसकी बेटी है बोला ऐसी की तैसी पत्थरियों की उचावल टूट चुकी है आज रात निकल चुकी है बाथरूम के बाद या खत्म हो चुकी उठ एकदम से उठ अब देख ओके तेरा पेट हाँ जी तू डर ना अपने शरीर से जल्दी चल कर आगे स्पीड से ऐसे आना ऐसे
ये देखो, क्योंकि जितना तू डरेगी ना कि मैं दौड़ूंगी तो हिल जा, हिल ना जाए पतरी, मन में आता था ना हिल ना जाए। हाँ जी पापा जी, मैं बोल भी नहीं है रही, जब तो मैं बोलती हाँ तो दर्द चालू हो जाती है। पापा जी 11 टीके लवाए रात ते सवेर ते पाके नींद दियां गोलियां अलग, पांच काल ते सात अज 12 हो गई। हाँ जी, फिर भी नहीं दर्द रुकी। फिर भी नहीं, हमने दो शब्दों से रोक दी। मेरी बेटी कितने शब्दों से? हाँ जी दो से। ते बच्ची मेरी दवाई नहीं खान देंदी, रोने नहीं देंदी, वो बाइबल पढ़ती ही लग गई, कहती मम्मी परमेश्वर ते भरोसा रख, तू ना रो, परमेश्वर तेरे नाल है। अगर मेरे को कौन है तेरी कुड़ी? वो बैठी जो ये वाली अभी नए जुड़े हो आप, यहाँ की टीचिंग को फुला हो आगे, कहाँ से आए हो? हम छापे थे आए हैं, तो मेरे पैन परा इतने आंदे थे जो मैं पहला नवी नवी। नहीं आप कहाँ से आए हो? आई छापे तो। अच्छा ऐसे बोलो ना, छापे तो। हाँ जी, पहले आप बोल रही हम छापे थे आए हैं। नहीं छापे, मैं कहा छापे तो किधर? राम सिंह छापा, राम सिंह छापा पिंड का नाम। हाँ जी, होठगा दे लागे। हाँ मैं समझ गया, वहाँ से लोग आते ना, तो वहाँ से आए आप। फिर छोड़ा इसने इधर आने से। एक दिन दे 12 टीके लंदा ही नशे रे पैरां दे विच हत्थां दे। तो जिस दिन इधर लेकर आए, कब से नहीं ले रहा नशा? आज मेरे पति ने 12 दिन हो गए नशे दे। देख लो कितनी ताकत, इतनी बड़ी ये मिनिस्ट्री, इतनी बड़ी ग्रेस है यहाँ। और शैतान नहीं चाहता कि यहाँ लोग आए, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना तेल पानी कपड़ा हटाओ, सारा विश्वास परमेश्वर पर करो, लोगों को लगता मैं गलत बोल रहा हूँ। वो ना आदि हो गए बेचारे लोग इन चीजों के, क्योंकि उनका बड़ा स्ट्रांग तब होगा जब ये चीजें छोड़कर डायरेक्ट विश्वास करेंगे सीधा, ये बाइबल कहती है। ठीक है, एक दो जगह पर लिखा है उसके बारे में, तेल के बारे में, उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं। वो सीखेंगे तो वो भी समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं इसे यूज करना। ठीक है, अब 12 दिन से कोई टीका नहीं लगा रहा? नहीं कोई नहीं, परमेश्वर दे दिया, जो करो निकलते हैं। मैं पष्ट जी यही गल कहनी, काम की कर दे दी। हां जी काम में तो मजदूरी दा, वो की करदा हूं बंदा, वो भी दिहाड़ी दपाई करदे। पष्ट जी इन्ने कर दे हालात मारे कि तुम एक दिन ना अपनी कार पर होंगे, जाओ भविष्यवाणी में इसको नोट कर लो। आज का दिन ये तो रोटी मुश्किल से खाते हैं, एक दिन गाड़ी पर होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। रेडी हो जाओ, टीम इनका नंबर नोट कर लो, जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा बताओ, इन्हें बढ़ाओ और ये गवाही हम बताएंगे लोगों को। जाओ जाओ, हो चुका है, बैठ जाओ। अब आपने ध्यान देना है सबने, ठीक है, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, आत्मिक आत्मिक बातों को जो समझा रहा हूँ, इन बातों को आपने पकड़ना है और आगे बढ़ना है स्ट्रांग वाला। ठीक है, तो आज प्रेयर पिलर है, तो प्रेयर पिलर में तुम्हें मैंने अपना बठिंडे का क्रूसेड करने के बाद एक हफ्ता तुम्हें देना है इधर प्रेयर में। लेकिन वो इसलिए देना है क्योंकि मुझे ना आपको वचनों से भरी हुई प्रार्थना सिखानी है। क्या करनी है? वचनों से भरी हुई, कैसे वचनों को याद रख रख कर वचन बोलना है। जब मैं भी प्रेयर करता हूँ, मैं भी वचनों को याद करके फिर प्रेयर करता हूँ। ये वचन परमेश्वर तेरा लिखा है, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये तूने वादा किया, ये ऐसे करके बातें करता हूँ। ठीक है, तो आपने वो एक हफ्ता, मैं उन दिनों में अच्छे से तुम्हें सिखाऊंगा एक हफ्ता, लेकिन अभी हम इस प्रेयर पिलर का जो मीनिंग है, और जितने भी अभी जुड़े हुए लोग हैं हमारी मिनिस्ट्री में, सबसे ये रेवलेशंस की चीज़ें हो रही है। दुनिया में क्या चल रहा था, जैसे लोग उतना परमेश्वर का प्रार्थना में नाम नहीं लेते जितना शैतान का लेते हैं। शैतान तेरे मुंह में आग लगे, शैतान चले जा साढ़े घर चो, शैतान चले जा साढ़े जीवन दो, आप भी करते थे ना पहले, वही लोग इसीलिए हालातों में थी। तेल पानी में विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन प्रार्थना गलत करती थी। शैतान 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 शैतान, जो भी बात है शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया, शैतान ने कर दिया। वो शैतान कुछ नहीं है, उसको कुक्कड़ की तरह उसके खम खुम खींच के तोड़ मरोड़ कर उसकी खाल उधेड़ कर उसका सर कुचल दिया यीशु मसीह ने। हालेलुया,
कितनों को बात समझ आ रही? वो कुछ नहीं है, आगे बढ़ो परमेश्वर के साथ, सिद्ध बनते जाओ। सिद्ध बनने का ज्ञान है, खाम खां उसको अपनी राहों में लेकर चलते हो, छोटी छोटी बातों में शदान 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 शदान, कुछ नहीं है शदान। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वैसे हमारी मिनिस्ट्री वाले तो इतना नहीं उसको याद युद्ध करते, लेकिन जो नए नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है? तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, जो सर्वशक्तिमान है उसको देखकर चलना है, उसके साथ रिश्ते को बढ़ाना है, उसके साथ अपने जीवन को बढ़ाना। मीनिंग ये है, हम बीच में ऐसे ही शैतान को लेकर बैठ जाते, हालातों को लेकर बैठ जाते, कुछ नहीं हालात, कहो कुछ नहीं है, सर्वशक्ति साथ, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, वो है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। तो वापस उसी पर आता हूं, वचन जो यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर जानता है तुम्हारी आवश्यकता क्या है, अगर तुम बीमार हो वो जानता है तुम्हें चंगाई चाहिए, लेकिन वो जानता है, लेकिन इसीलिए उसने अपने नियम को पूरा किया है। यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, राज्य और उसकी धार्मिकता, यही है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, कैसे कैसे चलना है, क्या क्या विश्वास करना, क्या क्या प्रैक्टिकल करना, यही उसकी धार्मिकता, यही उसका वचन है, उसकी आज्ञा है जो तुम्हें पकड़नी होगी। कितनों को बात समझ आ रही है जी? चलो अभी हम प्रेयर करेंगे, प्रेयर पिलर की, हाँ गिटार लगाओ, सब खड़े जो बच्चों, आप लोग आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, सब आप बैठे रहना है, इनको बोला मैंने, हाँ हाथों को हिला हिला कर बातें करो। अच्छा एक और नई चीज़ हो गई, मैं किसी को निकाल रहा था, मैं किसी को समझा रहा था कि परमेश्वर पर विश्वास करो, मटेरियल पर ना करो, ऐसे तेल तुल चीज़ों पर, क्योंकि बाइबल में लिखा एक जगह पर लिखा है ऐसे कुरिन्थियस में, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए, मैं ऐसे समझा रहा था उनको। वो कहता है, फिर वो कहने लगे आप भी तो ऐसे कहते हैं हाथ हिलाओ हाथ हिलाओ, तो लोग कहेंगे हाथ हिलाने से पितरात्मा था। मैंने कहा ये नवीन बात बना ली, लोग देखो किधर की बात बना लेते। हाथ हिलाने का मतलब एक्टिव रहना, अपनी बॉडी को क्या रखना, एक्टिव। ऐसे अगर रहोगे ऐसे तुम क्या नहीं आएगा, नहीं मजा आएगा ना। क्रिश्चियनिटी में ऐसी चीज है, आत्मिक चीज है ये। चलो ये भी तुम्हें समझा दिया मैंने, ठीक है, हाथों को हिलाओ, जो वचन लिया उसे याद करो, उसके प्यार को याद करो, वो कितना महान है, यीशु की कुर्बानी को, वो तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा है, तुम्हारे पाप को, तुम्हारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया, कोड़े खाए तुम्हें आजाद करने के लिए। धन्यवाद करो उसका, कहो प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, इतना प्रेम तूने किया, मेरी मौत, मेरे कोड़े, मेरी बीमारियां, मेरी सजा अपने ऊपर ली, धन्यवाद प्रभु, तू महान है, सच्चा है, तूने मुझे आजाद कर दिया है, तेरा छुटकारा मेरे में आ चुका है। बोलते जाओ, बोलते जाओ, रोजे नमा, इन दिनों में कैंसर तक नॉर्मल होने वाली है, इन दिनों में डायबिटीज के रोगी, एचआईवी के रोगी, ऐसे रोगी जिनकी बीमारियां लाइलाज है, विश्वास करो उसकी सामर्थ जो मुर्दों को जिंदा करती है, उसकी सामर्थ जो लंगड़ों की टांगों को नया करती है, जन्म के अंधों की आंखों को नया बनाती है, उसकी सामर्थ, वो सामर्थ तुम्हारे शरीरों को हील कर रही है। बोलो यस पिता, वो सामर्थ हमारे बॉडी के अंदर काम कर रही है, मेरे विश्वास से काम कर रही है, और मैं हील हो चुका हूँ, ये बीमारी जा चुकी है, ये पथरियां बोल आज बैंड टूट कर बाथरूम के बाहर आ चुकी है, बाथरूम से बाहर आ चुकी है, टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, बाहर आ चुकी है। बोलो बोलो बोलो, उसकी बड़ी सामर्थ है, अगर उसकी सामर्थ जिसको तुम जानते हो बाइबल के वचनों से जानते हो, और बाइबल के वचनों को क्या सुना दे, देखो सुनो, तुम्हें अपना विश्वास अच्छा करने के लिए तुम्हारे सामने खुदा काम करता है,
एक बंदा ऐसे पकड़ कर आ रहा है 7 इंजेक्शन लगाकर, हम बस बोलते हैं तुम्हारे सामने वचन को और वो हील हो जाता है। ये तुम्हारे सामने परमेश्वर है या नहीं है? तो याद करो ऐसे परमेश्वर पर, लगाओ अपना मन, ध्यान दो उसके ऊपर, वो कितना पावरफुल है, कितना सामर्थी है, कितना ताकतवर है, कितना महान है वो सर्वशक्तिमान खुदावंद। रोजे नखोर धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंद का। इन दिनों में कैंसर के रोगी, HIV के रोगी, गठिये के रोगी, टूटे हुए कूले, टूटी हुई रीढ़ की हड्डियां, टांगों की हड्डियां, वो जोड़ रहा है, हील कर रहा है, चंगा कर रहा है, आजाद कर रहा है। बोलो ऐसी ही उसकी सामर्थ्य है, ऐसा ही मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। मैं बिलीव करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने सामर्थ्य परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का। वो कैंसर को नॉर्मल कर रहा है, वो HIV को नॉर्मल कर रहा है, वो डायबिटीज के रोगियों को नॉर्मल कर रहा है, नॉर्मल कर रही उनकी बीमारियों को। जितने डायबिटीज के रोगी, जितने शुगर की बीमारियों के रोगी, सब खुदा की सामर्थ्य से हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। HIV के रोगी हील हो रहे हैं, कैंसर के रोगी हील हो रहे हैं, कैंसर की बीमारियां खत्म हो रही हैं आपकी बॉडी से, उसकी जीवित शक्ति से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य। अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, जिनके आंखों के रोग हैं, मोतिया है आंखों में, आंखों की नसें पीछे से ब्लॉक हो गई है, नजर जा चुकी है, उसकी जीवित शक्ति से वो आंखों में रोशनी आ चुकी है, वो आ चुकी है, वो आ चुकी है। उसकी सामर्थ्य बड़ी है, उसकी सामर्थ्य बड़ी है, उसकी सामर्थ्य बड़ी है, उसकी जीवित शक्ति बड़ी है, उसकी सामर्थ्य बड़ी है। वो सामर्थ्य परमेश्वर महान है, वो ताकतवर परमेश्वर है, उसकी जीवित शक्ति महान है, उसकी सामर्थ्य महान है, वो मुर्दों को जिंदा करता। आज वो तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, वो तुम्हारे साथ चलेगा। तुम जहां जहां जाओगे परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें संभाल कर रखूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। उसने कहा मैं इंसान नहीं कि झूठ बोलूं, उसने कहा मैं मनुष्य नहीं कि जो बोलूं वो ना करूं, जो अपना वचन दूं और उससे पूरा ना करूं। उस जो वचन उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें मैं संभालूंगा। कैसे वो परमेश्वर बदल सकता है? बोलो धन्यवाद खुदावन, तूने मुझे हाथों में उठा लिया है, मैं तेरे हाथों में हूँ, तेरी गोद में हूँ, तेरी सामर्थ्य गोद में हूँ। ये बीमारियां, ये रोग, ये हालात, ये प्रॉब्लम उखड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। बोलो उखड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। यीशु ने कोड़े खाए थे, इसीलिए उसने कोड़े खाकर इन बीमारियों को चटनी बना दिया था, चटनी बना दिया था, खत्म कर दिया था, ऐसे खत्म कर दिया था जैसे चटनी को कूटते हैं, ऐसे कूट कूट कर उसने कोड़े खा खा कर तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हें आजाद कर दिया है, तुम्हें चंगा कर दिया है। उसकी जीवित शक्ति बड़ी है, उसकी सामर्थ्य बड़ी है, उसकी पावर बड़ी है। वो तुम्हें हील कर रहा है, वो तुम्हें छू रहा है। डायबिटीज के रोगी, HIV के रोगी, कैंसर के रोगी, फेफड़ों के रोगी, दमे के रोगी, हालातों के रोगी, पंप लगे हुए रोगी, आज की रात वो हील हो चुके हैं, आज की रात वो चंगाई को ले चुके हैं, आज की चंगाई का वचन उनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। फेफड़ों के रोगी, दमे के रोगी, लगे हुए पंप, ऐसी बीमारियां जो उनके अंदर काम कर रही थी वो उखड़ चुकी है। आज उनकी चंगाई की रात है, आज उनकी चंगाई की रात है, आज उनकी चंगाई की रात है, आज खुदा की चंगाई की रात है। तुम भर रहे हो उसकी सामर्थ्य से। बोलो मैं आत्मा से भर चुका हूँ, मैं आत्मा के द्वारा चल चुका हूँ, आत्मा मुझ में काम कर रहा है, परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा से भर दिया है। मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ, अब मैं खास हूँ, मैं उसकी पवित्र बेटी हूँ, मैं उसका पवित्र बेटा हूँ, मैं पवित्र बेटी हूँ, पवित्र बेटा हूँ। उसने मुझे अपने आत्मा से भर दिया है, अपनी सामर्थ्य से भर दिया है। इस पृथ्वी पर मैं नॉर्मल जीवन नहीं जीने वाला, मैं खास जीवन जीने वास्ते आया हूँ, चुना गया हूँ। वो कर चुका है, वो कर चुका है, वो कर चुका है, वो कर चुका है। उसकी जीवित शक्ति मुझ में काम कर रही है। मैं विश्वास रखता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ, मैं डाउट नहीं करूंगा आज के बाद। मैं अपने मन में दोष नहीं आने दूंगा, मैं वचनों से अपने मन को डांटूंगा। जब मेरा मन मुझे दोष देगा, उसे मैं बताऊंगा कि मैं सर्वशक्तिमान का बेटा बेटी हूं। ऐसी की तैसी मेरे मन के अंदर नेगेटिव विचारों की, बोलो
रोजे न खोर जब बब 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 लुब्रो से न बब बीबी इब्री जंगरे बीबी बीबी लुब्रो सख न बब बब इब्री नंबर जोंदर बब बब बीबी लुब्रो सख न बब बब लुब्रो सख न बब बीबी इमरा लग अंदर बब बब बीबी रू सिंगर बब बब बीबी दिल दी अंदर बीबी अगले दो तीन मिनट ने भाषा में बातें करो दिया सा रखो रजंदर बब बब ऊ रजंगर बब 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 लेती अंदर बीबी सुन बब बब री बी जंगर बब बब उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है। बोलो बोलो परमेश्वर पिता मैं जानता हूं तू सच्चा परमेश्वर है, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू मेरी चट्टान है, तू ही मेरा गढ़ है। जैसे दाऊद तुझे अपनी चट्टान ढाल शरण स्थान सब कुछ मान कर चलता था, इसीलिए वो ब्लेस था, इसीलिए वो इतना ऊंचा राजा था, इसीलिए कोई राजा उसे हरा नहीं पाया, इसीलिए कोई हालात उसे दबा नहीं पाया, वो ऊंचा ऊंचा गया। उसका उसके ऊंचे जाने का कारण था उसका बड़ा विश्वास, बड़ा मन। वो डरता नहीं था किसी हालात से, वो भरोसा रखता था यहोवा के ऊपर, उसको चट्टान मानता था, उसको मानता था कि वो दुनिया का रचने वाला सर्वशक्तिमान खुदा है। उस पर भरोसा रखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, उनके मुंह कभी काले नहीं होते। उसके वचन जो वो बोलता था, जो वो सोचता था, ऐसे ही मैं सोचकर आज चलूंगा, सर्वशक्तिमान की ताकत पर भरोसा रखूंगा। बोलो बोलो जो तुम्हारी जिंदगी में हालात है, एक एक हालात को बोल दे जाओ, चाहे वो कर्जा है, चाहे आपके घर में क्लेश है, चाहे आपके घर में नशा है, बीमारियां हैं, गरीबी है, कुछ भी है, बोलो खत्म है यीशु मसीह के नाम, खत्म है यीशु मसीह के नाम, खत्म है यीशु मसीह के नाम, खत्म है यीशु मसीह के नाम से, उसकी जीव शक्ति से खत्म है, उसकी जीव शक्ति से खत्म है। वो इतना सामर्थ्य है, इतना महान है कि आज के बाद मैं अपने मन को काम नहीं करने दूंगा। अगर वो गलत रीति में जाएगा तो उसको मैं डांटूंगा, क्योंकि मैं वचनों से अपने मन को ढांढस दूंगा और परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और फलों को पाऊंगा और हर तरह की आशीष को पाऊंगा। मैं पाऊंगा क्योंकि मेरे खुदा ने वो आशीष मेरे लिए रखी है। उसने कहा मैं मसीह में सारी आत्मिक आशीषों को दे दिया है, वो आशीष दे चुका है यीशु मसीह में, जो मेरे फेथ से, मेरे भरोसे से, मेरे वचन पर चलकर वो प्रकट होती है। मैं ऐसा करूंगा, उनको प्रकट करूंगा, उन आशीषों को लूंगा। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। ऐसी सामर्थ मुझ में काम करी है, ऐसी सामर्थ मुझ में काम करी। आज की रात तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, आज की रात तुम्हारी छुटकारे की रात है, आज की रात गुड न्यूज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। आज जो फाइनेंशियल परेशान है आज गुड न्यूज पाएंगे, सुबह उठते ही उनके मार खुलेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाएगी, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाएगी, 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 फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाएगी। छोड़ दो बस आप अपना काम करते जाओ। रई शर खोर जम बब बब लुब्रो सकन बब बब रो शर खोर जम बब 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 लुब्रो सेंद्र बब बब रो शर खोर जम बब 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 लिब्री सेंद्र बब 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 रो से न खोर जम बब बब लुब्रो सेंद्र बब बब लुब्रो सेंद्र बब 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 लिब्रे सोखन बब बब बब। यस यस यस, आज की रात तुम्हारी छुटकारे की रात है। तुम्हारी गांठे, रिसौलियां, पथरियां, हार्ट के रोग, किडनी के रोग, बवासीर के रोग, शुगर के रोग, कैंसर के रोग, फेफड़ों के रोग, गले के रोग, फूड पाइप के रोग, ब्रेन ट्यूमर, दिमाग की नसें, हर तरह तरह की रोग, आज रात जितने हमारे साथ प्रेयर के साथ जुड़े हुए हैं वो हील हो जाएं, Amen. उनके बीमारियों के बंधन टूट जाए आज से, वो बीमारियां के जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज की रात तुम्हारे छुटकारे की रात है, आज की रात तुम्हारी चंगाई की रात है, आज की रात तुम्हारे जीवन पाने की रात है, आज की रात खुदा की सामर्थी रात तुम्हारी जीवन में काम कर रही है। उससे न बाबा तुम प्रार्थना में बढ़ रहे हो, जिनकी प्रार्थनाओं में रुकावटें हैं मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना की रुकावटों को तोड़ देता हूँ। प्रेयर वॉरियर बन जाओ, प्रेयर वॉरियर बन जाओ, घंटों प्रार्थना करने वाले बन जाओ, प्रेयर वॉरियर 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 बन जाओ,
प्रेयर वॉरियर बन जाओ, प्रेयर वॉरियर बन जाओ, प्रेयर वॉरियर बन जाओ, प्रेयर वॉरियर बन जाओ, प्रेयर वॉरियर बन जाओ, प्रेयर वॉरियर बन जाओ, प्रेयर वॉरियर बन जाओ, टच 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 टच, छूट जाओ अपने हालातों से, छूट जाओ अपनी बीमारियों से, छूट जाओ हालातों से, छूट जाओ बीमारियों से, छूट जाओ गंदे रोगों से, छूट जाओ बीमारियों से, छूट जाओ बड़े से बड़े हालातों से, छूट जाओ बड़े से बड़े गंदे हालातों से, आपके मार्ग खुले, आत्मा से भर जाओ, प्रेयर की रुकावटें तोड़ देता हूँ, आज से तुम्हारी प्रेयर ऊंची होगी, तुम प्रार्थना में बढ़ पाओगे, तुम्हारा मन खुदा के साथ बढ़ेगा, तुम आत्मा में भर जाओगे, आत्मिक उन्नति करोगे, खुदा के साथ तुम्हारा बड़ा रिश्ता होगा, यह आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, ये बरकत तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, यह आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, ये बरकत तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, ये आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, ये बरकत आज तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, ये खुदा के दास के वचन, खुदा के पवित्र आत्मा के वचन है, मेरे मुंह से आने वाले वचन पवित्र आत्मा के वचन है, ये पूरे हो रहे, ये पूरे हो रहे, ये पूरे हो रहे, जितने इस समय जुड़े सबके जीवन में पूरे हो रहे, जितने इस समय जुड़े हुए सबके जीवन में पूरे हो रहे, जितने इस समय जुड़े हुए लोग हैं सबकी जिंदगी में ये वचन पूरे हो रहे, जितने जुड़े हुए लोग हैं सबकी जिंदगी में ये वचन पूरे हो रहे, तुम्हें मेरा खुदा आज बड़ा ब्लेस कर रहा है, तुम आज यहाँ जो आए हो पहुंचे हो, तुम सेम नहीं जा रहे, जितने ऑनलाइन देशों विदेशों में समय जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगियां सेम नहीं रहेगी, आज से बरकत, बड़ी भारी बरकत तुम्हारे ऊपर मांगता हूँ, तुम्हारे परिवारों के ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, खुदा ये ठहरे, खुदा ये ठहरे, खुदा ये बरकत ठहरे, खुदा ये ठहरे, खुदा ये बरकत ठहरे, ये आशीष तुम्हारे पर ठहरे, ये बरकत ठहरे, ठहरे 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 ठहरे, यीशु नाम से खुदा, हर वो वचन जो मेरे मुंह से निकला खुदा इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है, जितनी रिकॉर्डिंग, गंदे सपने, गंदे थॉट्स, गंदी सोचे, नेगेटिव विचार खत्म हो चुके खुदावंद, आज की तेरी जीव शक्ति से हो चुका है, ये प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, ये प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, प्रेम में बड़ा मन होगा, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, प्रेम में प्रार्थना से भर कर प्रार्थना करेगी, ऐसा आपने कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है, बोलो धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ, तूने मुझे चुना है, अंधकार से ज्योति में बुलाया है, और तेरा वचन ये कहता है हम ज्योति हैं, मैं ज्योति हूँ, मेरा परिवार ज्योति है, मैं कैसे अंधकार में रह सकता हूँ, कैसे मैं हालात में रह सकता हूँ, कैसे शैतान मुझे दबा सकता है, कैसे मेरी आंखों के रोग, कानों के रोग, पेट के रोग, बीमारियां, गांठे, रसौलियां, जबकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए, कैसे ये रोग मेरे अंदर रह सकते हैं, ये रह ही नहीं सकते, ये रह ही नहीं सकते, ये खत्म है यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से, जब परमेश्वर तूने अपनी आशीषों को दे दिया है, जब तूने पुराने नियम में इसराइलियों को कहा था कि हर चीज पर बरकत होगी, खेत में, काम में, फसलों में, चीजों में, कारोबारों में, हर चीज में तूने बरकत की बात की है, वो बरकत मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, काम के ऊपर आ चुकी है, आ चुकी है, तू मुझे धनी कर चुका है, तेरा वचन कहता है मैं तुम्हें गरीब नहीं, अनाथ नहीं, तुम्हें अमीर करूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा, आशीष दूंगा, वो मेरा हक है, वो मुझे मिल चुका है, क्योंकि तूने देना है, तूने जब अपने लोगों को इस दुनिया में इतना ऊंचा किया है, तो मैं भी ऊंचा हो चुका हूँ, ये आशीष मेरी है, ये मेरी है, मुझे मिल चुकी है, मैं गवाही के साथ आ चुका हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, आत्मा से भर चुका हूँ, होलीनेस, पवित्रता ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार होगा, मैं पवित्रता ही में बढ़ता जाऊंगा, मैं तेरी सेवा में, सुसमाचार में बढ़ता जाऊंगा, तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा, मैं तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा, सुसमाचार में बढ़ता जाऊंगा, तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा, तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा, लुब्रो से उसकी जीव शक्ति, जीव शक्ति, जीव शक्ति काम कर रही है, आज तुम्हारी बड़ी हीलिंग हो चुकी है, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो जो प्रेयर तूने की है, ये वचनों के द्वारा प्रे करने का कुछ हिस्सा मैंने तुम्हें सिखाया है, मैं चाहूं तो तुम्हें 2 घंटे प्रे में रखता हूं, रख सकता हूं, लेकिन ये काम मैं क्रूसेड के बाद करूंगा बड़ा वाला, उन दिनों में प्रेयर 7:30 बजे नहीं 7 बजे स्टार्ट होगी, 7 से 8:30 9 जितना होगा, ठीक है,
चक्रों अपनी बॉडीज को, कैसे पावर काम कर रही थी तुम्हारी जिंदगियों में? यस, कैसे पावर काम कर रही चक्रों अपनी बॉडीज को? वो महान है खुदा, तुम बढ़ चुके हो। यह आज मुझे खुदा ने कहा था और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस समय जुड़े हुए वो सारी बरकत पा चुके हैं। तो आओ, आप लोग तो ज्यादा क्योंकि चलकर आए हो, परमेश्वर ने तुम्हारे परिश्रम को देखा है, तुम्हारे कदम कदम को देखा है। क्या देखा? तुम्हारे कदम कदम को। वो ऐसा परमेश्वर है तुम्हारे, जो तुम परमेश्वर के साथ जो कर रहे हो, बो रहे हो, सेवा कर रहे हो, सफाई कर रहे इधर, जो तुम परमेश्वर के लिए करते हो, वो एक भी चीज का बिना फल के तुम्हें नहीं रहने देगा। तुम यहां आए, विश्वास किया, धन्यवाद किया, विश्वास किया, सीखा, समझा, मन बनाया, तो इसका फल मिल चुका है। यीशु मसीह, क्या चुका है? इसका फल मिल चुका है। ठीक है, तो अभी आपने बने रहना है, ऑनलाइन लोगों ने बने रहना है, क्योंकि मैं और ज्यादा टाइम नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि हम उस क्रूसेड के कारण एक बड़ी प्रेयर में है खुद भी, क्योंकि हमें वहां बहुत लोगों को छुटकारा देना है, डिलीवरेंस मिले, परमेश्वर का राज्य बढ़े और रूहें बचाई जाए, तो उसमें हमें बढ़ना है और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ऑनलाइन जितने भी लोग इस समय जुड़े हैं, अपनी मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ताकि बहुत सारे लोगों के पास आज का वचन जाए, बरकत पाई, लोग छुटकारा पाएं और बड़ी आशीष पाएं लोग। खुदा काम कर चुका है, यीशु नाम से। आमेन, आमेन।